अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आदिल अहमद, आप देख रहे हैं जीरो बंदा। तो आज हम इस वक्त मौजूद है रिंग रोड में, स्ट्रीट चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से आज यहाँ पर दस्तरखान बिछाए गए, जो कि फर्स्ट रमज़ान से लेकर आज सातवां रमज़ान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की भीड़, आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर अफ्तारी के बंदोबस्त कर रहे हैं। इन लोगों ने रोटी का बंदोबस्त भी यहाँ पर खुद किया है और खाने का बंदोबस्त भी, चावल, जूस और हर किस्म के। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहे इस वीडियो में, हम आए के जाकर डायरेक्टर से भी इंटरव्यू करेंगे और इसके वेलफेयर के हवाले से कुछ बात भी करेंगे। आए वैसे आई एम अब्बास अहमद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन। यहाँ पे हमारा पेशावर में एक इफ्तार दस्तरखान लगा होता है, जहाँ पे डेली बेस पे 400 प्लस लोग आते हैं और यहाँ पे इफ्तार करते हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का मेन्यू होता है, उसमें चावल होते हैं, खीर वगैरह होता है, हलवा होता है, पकौड़े, समोसे और खजूर होते हैं। और यहाँ पे हम जो है ना बड़े इज्जत और डिग्निटी के साथ लोगों को इफ्तारी कराते हैं। पिछले 3 साल से यहाँ पे इफ्तार दस्तरखान कर रहे हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे करते रहते हैं। और एक हमारा इफ्तार दस्तरखान इस्लामाबाद में भी लगता है। और हमारे पास 2 तंदूर है स्ट्रीट चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन के, वहाँ पे 100 और 150 लोग रोज़ाना और डेली बेसिस पे आते हैं और वहाँ पे जो है उनको 1 टाइम मील मिलता है और साथ में उनको हम नान देते हैं। इसी तरह हमारे पास और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, वाटर पंप्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम व्हीलचेयर्स को डोनेट करते हैं और उसके साथ साथ हम डेली बेसिस पे हम राशन भी देते हैं 50 फैमिलीज को पर मंथ के हिसाब से। इस वक्त आपको मैं दस्तरखान के साइड ले जाता हूँ और माशाल्लाह लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं दस्तरखान में। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह लोग सब दस्तरखान में बैठे हुए हैं और लंबी लाइन है। आपको ले जाता हूँ यहाँ पर, सब लोगों ने अपनी गाड़ियाँ पार्क की हैं और सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। और पेशावर रिंग रोड में आज 7वां रमज़ान है और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन भी और रिक्शे वगैरह सब खड़े हुए हैं, क्योंकि मजदूर तबके वो आते हैं यहाँ पर और इफ्तार के जब टाइम होता है तो यहाँ पर आकर इफ्तारी करने के लिए बैठ जाते हैं। और आगे भी आपको ले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गाड़ी खड़ी है, फुल हो गई है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सब लोग बैठे हुए, दस्तरखान ख़त्म हो गए और माशाल्लाह लोग सब इफ्तारी के लिए अभी इस वक्त खाना पाँच बजे रहते हैं। और यहाँ पर रमदान दस्तरखान ऑर्गेनाइज बाई स्ट्रीट चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन, लोकेशन पेशावर, डोनेट नाउ। अगर कोई डोनेट करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन के नीचे भी आपको दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डोनेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह लोगों की कतार भी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं सब लोग बैठे हुए हैं इफ्तारी के लिए। अभी इस वक्त 3 मिनट या 5 मिनट रहते हैं, तो अभी आपको मैं टाइम लैप्स जो कि शूट करता हूँ वो आप देखेंगे, उसके मनासर आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आ जाए लेव्स के लिए मैं अपने गोप्रो यूज़ करूँगा और स्टार्टिंग यहाँ पर ज़्यादा पानी डाले थे, कीचड़ जमा हुआ है, तो वहाँ से स्टार्ट होगा और एंड तक आपको मैं टाइम लेव्स दिखाता हूँ।
अजान हो गई है, हम भी अपनी इफ्तारें करते हैं और गला बहुत सूख चुका हुआ है और तकरीबन 3 घंटों से वीडियो शूट कर रहे हैं। जो सब इस वक्त आप देख सकते हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से यहाँ पर आज का जो इफ्तार था वो इख्तिताम को पहुँचे, तो लोग सब चले गए, कोई यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहा है और बाकी आप देख सकते हैं सब कुछ खाली हो चुका है, सब लोग अपनी मंजिल के लिए चले गए और अफ्तारी कर लिए उन लोगों ने। ये आप देख सकते हैं पेशावर स्पेशल नान। और भाई अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम? जावेद। जावेद, ये बताएं कि आप कितने सालों से आप नान कहें? ये तो बहुत दिन से हम का बहुत ज़्यादा टाइम हो गई इसे तंदूर में। अच्छा, तो अभी लेफ्ट तंदूर अभी तकरीबन 3 साल हो गए इसका। अच्छा सर, मशीनरी निकले, कितने रोटी चाहिए? 1 घंटे में 1000 रोटी निकाल दे तंदूर से। 1000 रोटी आप निकाल? जी बिल्कुल, वारंटी से स्पेशल नान बिल्कुल A1। इनसे रब्ता कर सकते हैं? बिल्कुल, जो शादी या कोई फंक्शन हो तो उसमें बुला सकते हैं। इनका नंबर 0315-9876010। ओके सर। आपका क्या नाम है? जावेद। जावेद, ये बताएं कि आज आप स्ट्रीट चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से आज दस्तखान बिछाया था, तो आपने अफ्तारी की है, तो आपको कैसा लगा? आप बहुत अच्छी थी। अच्छा, तो खाना किस तरह था? चावल किस तरह था? चावल भी ठीक था भाई, रोटी भी ठीक थी। कोई मसला इशू? कोई मसला नहीं भाई, शुक्र हम बहुत तैयार थे। आपने पेट भर के खाए? अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आया आपको? बिल्कुल, शुक्रिया दीदारी से खुदे पाक देर खू की कोशिश चला दूना हुआ तो सवतनान रोजे वाला सा तीदल तक की दोषी और बस अल्लाह दे सर खू की।